हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल सो टुडे वी आर डूइंग क्लास सिक्स फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर टेल ऑफ टू वर्ड्स तो ये चैप्टर का मैंने जितना भी मींस ये चैप्टर है पूरा समराइज़ किया हुआ है ऑलरेडी आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में यहाँ पे टोटली सिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं इस चैप्टर में और इस चैप्टर को हमें सॉल्व करना है तो चलिए हम वन बाय वन क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ बोर्ड पे एंड उसके आंसर्स भी बताती हूँ ताकि आपको ये इसे समझना लिखना और इसे अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको करना ईजी हो सके चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड कैसे टू बेबी बर्ड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं तो उसका आंसर होगा द टू बेबी बर्ड्स लिव विद देयर मदर इन अ नेस्ट इन अ टॉल एंड अ शेडी ट्री तो टू बेबी बर्ड्स किसके साथ रहते थे अपनी मम्मी के साथ एक टॉल और शेडी ट्री में रहते थे जहाँ पे उनका नेस्ट था लेकिन वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म विथ थंडर लाइटनिंग एंड रेन और एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ही तूफान बिजली कड़कने के वजह से और लाइटनिंग के वजह से बारिश के वजह से अ बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द मदर बर्ड तो एक बिग हेवी ब्रांच जो है वो नेस्ट को मतलब हिट करता है जिसके वजह से मदर बर्ड जो है वो मर जाती है एंड द द्रॉन्ग विंड ब्लू द टू बेबी बर्ड्स अवे टू फॉरेस्ट और स्ट्रॉन्ग विंड के वजह से दोनों बेबी बर्ड्स क्या हो जाते हैं एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट साइड अदर साइड में फॉरेस्ट में सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर तो ये इसका करेक्ट आंसर है ओके होप्स हो आपको ये जो आंसर है ये वेल well सेटिस्फाइड लगा हो और ये वेल सेटिसफाइड आंसर है तो इसे राइट डाउन करना एंड लर्न करना बिल्कुल मत भूलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेर डीड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम तो दोनों को कहाँ पे घर मिला मतलब बिछड़ने के बाद वन ऑफ द बेबी बर्ड कम डाउन नियर अ केव तो एक बेबी बर्ड क्या हुआ केव के पास आके गिरी थी राइट वेर अ गैंग ऑफ रॉबर लीव जहाँ पे बहुत सारे गैंग ऑफ रॉबर रहते थे अदर बेबी बर्ड लैंडेड आउटसाइड आश्रम और दूसरी जो बेबी बर्ड थी वो कहाँ पे जाके गिरती है जहाँ पे ऋषि का आश्रम होता है अ लिटिल डिस्टेंस अवे जो थोड़े ही दूर होता है दस दे फाउंड टू डिफरेंट होम और इस तरीके से उन्हें दो अलग अलग घर मिले ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर तो स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पे स्ट्रेंजर है किंग जो वहां पे जंगल में हंट करने के लिए आया था तो फर्स्ट तो बर्ड ने उसे क्या कहा था द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर दैट इज द किंग ओके ही called द robbers टू कम क्विकली एंड ड्रॉप the king of his jewels and his horse. तो यहाँ पे फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर से क्या कहा था कि जल्दी से रॉबर्ट्स को बोलते हैं जल्दी से आ जाओ और इस किंग के पास जो भी ज्वेलरी है या फिर हॉर्स है उसे चुरा लो द बर्ड हैड इन डायरेक्टली वॉन द स्ट्रेंजर ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिटिंग नियर द केव और वो बर्ड जो है इनडायरेक्टली स्ट्रेंजर मीन्स किंग को उसने ये बता दिया कि वो जहाँ पे बैठा है वहाँ के केव में कौन है रॉबर्ट्स है ठीक है तो ये इसका सेटिस्फाइड आंसर है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर आपको फोर में दिया है वॉट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम तो सेकेंड बर्ड जो थी उसने क्या कहा तो उसके आंसर में आप लिखेंगे द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम सेकेंड बर्ड ने क्या किया था किंग को वेलकम किया था कि आप आश्रम में आए हो तो आपका स्वागत है ही रिक्वेस्टेड द टाइम टू गो इन साइड द आश्रम टेक सम रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल उसने रिक्वेस्ट किया था उनसे विनम्र आवेदन किया था कि आप अंदर जाइए आश्रम में थोड़ा आराम कीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए ही फर्दर एडेड दैट द फर्स्ट बर्ड वॉज हिज ब्रदर हु हैड मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्ट सो ही टॉक लाइक दम तो उसने फर्स्ट बर्ड के बारे में क्या बताया था सेकेंड बर्ड ने कि वो मेरा भाई है और उसने रॉबर्ट्स के साथ मतलब चोरों के साथ दोस्ती की है इसीलिए वो उसकी तरह ही बिहेव करता है बात करता है ओके तो फर्स्ट बर्ड ने ये सॉरी सेकंड बर्ड ने फर्स्ट बर्ड के बारे में ये कहा था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला है हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड बिहेव तो ऋषि ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया किंग को कि क्यों बर्ड अलग अलग बिहेव करते हैं क्यों अलग अलग वो बिहेव कर रहे हैं फर्स्ट बर्ड जो थी बर्ड जो था वो चोरी करने के लिए कर रहा था और सेकंड बर्ड जो है वो बहुत ही विनम्र होकर किंग को आश्रम में रेस्ट करने के लिए और उनका स्वागत कर रहा था तो यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे द किंग वॉज सरप्राइज अबाउट द डिफरेंस इन बिहेवियर बिटवीन द टू बर्ड्स तो किंग सरप्राइज था कि दोनों एक जैसे दिखने वाले बर्ड्स दोनों के बिहेवियर कितने अलग है राइट right? इससे द किंग वॉज सरप्राइज अबाउट द डिफरेंस इन बिहेवियर बिटवीन द टू वर्ड्स तो किंग बहुत ही सरप्राइज था उनके बिहेवियर में डिफरेंस देख के तो द रिशी एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट वर्ड इमिडिएटेड द सेम वर्ड दैट ही हर्ड फ्राम द रॉबर रॉबर्ट तो ऋषि ने कहा जो फर्स्ट so बर्ड है वो वही इमिटिएट करता है मतलब वही बोलता है जो रॉबर्ट से उसने सुना है वेयर एज द सेकेंड बर्ड रिपीटेड द वर्ड दैट ही हैड ऑलवेज हार्ड एट द आश्रम वेयर एज जो सेकेंड बर्ड है वो वही वर्ड्स रिपीट कर रहा है जो उसने कंटिन्यू आश्रम में सुना है इम्पाइल्स एट द डिफरेंस इन वेज ऑफ बिहेवियर बिटवीन द टू वर्ड वॉज द रिजल्ट ऑफ द कंपनी इन विच दे लिफ्ट और ये इम्पाइल्स करते हैं कि कितना डिफरेंस है उनके बिहेवियर में बिटवीन द टू वर्ड्स जिसके वजह से रिजल्ट और उनकी कंपनी किस संगत में रह के वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ये हमें समझ में यहाँ पे आ रहा है ओके तो यहां पे बताया गया है कि अगर बैड संगत होगी बैड कंपनी होगी तो इंसान बैड चीजें ही सीखेगा और अच्छी संगत होगी तो अच्छी चीजें ही सीखेगा चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर तो यहां पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी बेस्ट तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको स्टोरी की बेस्ट है ऐसा लग रहा है अ वर्ड तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए अ वर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश वन इज नोन बाय द कंपनी वन किब्स अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड तो यहाँ पे आपको मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या समझ में आए ये बताना है तो सबसे पहला बताया गया अ वर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द टू इन द बुश तो इस कहावत का मतलब होता है कि हाथ में एक पक्षी और झाड़ी में दो पक्षी मीन्स हाथ में कुछ और होना और दिखाना कुछ और तो वैसा दिख मतलब हाथ में कुछ और होना हाथ में कुछ और होना और दिखना कुछ और और नंबर टू है वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स तो यहाँ पे नंबर टू जो है वो ये बता रहा है इंसान को उससे समझा जा सकता है कि उनके दोस्तों कैसे हैं दुमन्स इंसान को उसके कंपनी से पहचाना जा सकता है अगर वो अच्छे लोगों की संगत में है तो उसका बिहेवियर अच्छा ही होगा और अगर वो गलत लोगों की संगत में है तो उसका बिहेवियर गलत ही होगा नंबर थ्री ऑप्शन में आपको बोला है फ्रेंड इज नीड इज़ अ फ्रेंड इन तो एक दोस्त वक्त के सामने मतलब वक्त जब पड़ता है तब एक दोस्त की परख होती है तो इसका सही ऑप्शन जो मोरल हमने इस स्टोरी से पढ़ा है वो है वन इज नोन बाय द कंपनी वन किब्स एक किसी को पहचानने के लिए वो किस तरीके की संगत में है ये जानना जरूरी है तो चलिए यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है अगर आपने इसकी समरी नहीं सुनी है तो आप जाके सुन सकते हैं और यही रिक्वेस्ट रहेगा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आप जानना चाहेंगे वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय